हमें यहाँ बुलाने के लिए कोई खास वजह? जगन का कहना है अम्बा का हरजीत बाजवा के साथ संबंध है, क्या यही सच है? अमृत बता दो सच। अम्बा का मेरे पति के साथ संबंध था। अब पता चल गया सच या और कुछ भी जानना है? नहीं सर पंजी, ये गलत है, जरूर कुछ हुआ है। अब तो जी बस आपसे दरखास्त है कि आप लोग इस औरत को हमारे कारोबार पर से बेदखल करवाइए। इसके दस्तखत के कोई मान्य नहीं रहने चाहिए। विनती है जी आपसे। सरपंच जी रुकिए, फैसला सुनाने से पहले रुकिए। मैं पवनियों का शाह आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओए कोई बात नहीं करनी, अब जो होना था ना वो हो गया, समझा? सरपंच जी मैं पवनियों का शाह हूँ, मेरा इतना सा तो हक बनता है कि मैं आपसे अकेले में बात कर सकूं। ओ सरपंच जी, लेकिन मंत्री पवनिया से हम बात करेंगे। आइए। मम्मी आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखना रमन, आज तेरी माँ उस कमीने जगन को सबके सामने उसकी औकात दिखा देगी। पूरे पंचायत के सामने मिट्टी बलीत हो जानी है उसकी, फिर आएगा मजा। ओए का हो गया, पवनियों की कुड़ी के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ कि आग और पानी कभी भी एक नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो जितनी जल्दी तू ये बात समझ जाए ना, उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। और तेरी बुआ तो ये सारी बातें खुद के तजुर्बे से ही कह रही है, मान ले मेरी बात। चल अब मूड सही कर अपना। नहीं बच्चा साहब, कहाँ जा रहे हो? रुको तो। दादी की चिंता हो रही है। बताओ, बच्चा लोग को अपना ही परिवार से अलग कर दिया इस लड़ाई ने। अरे पापा, देखो बेटा हम मानते हैं कि सब गलत बात है इस तरह परिवार को बांट देना, पर का करें, हमरा तो घर है नहीं, चाचा का घर है, तुम्हारा घर है, और तुम्हारे चाचा मना किए, एकदम ही मना किए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई जोर जबरदस्ती करके तुमको रोक लेंगे, पर का है ना बेटा, तुम्हारी चाची को बोले हैं कि ध्यान रखें, इसलिए पंचायत का फैसला होने तक तुम अपना दादी का कमरा में मत जाओ। जाओगी ना बेटा तो वो अपना गुस्सा तुम्हारी चाची पर निकालेंगे, और हम तो रोक नहीं पाएंगे उनको इस उम्र में, है ना? इसलिए हाथ जोड़ते हैं, बस एक बार पंचायत का फैसला हो जाए, तुम्हारी माँ बरी हो जाए, इज्जत से घर वापस आ जाए, फिर उसी की मर्जी चलनी है इस घर पे, है ना? तब इत्मीनान से बैठ लेना अपनी दादी के पास। परेशान मत हो, तब तक हम देखभाल कर लेंगे तुम्हारी दादी का, ठीक है ना बेटा? जी जी नानी जी। जाओ बेटा जाओ, कमरा में जाओ। चलो दीदी। जाओ। Thank you.
कैसी हो दीना? हैं? मजा आ रहा है आइसोलेट के? एकदम बेचारा की तरह। बड़ी दोस्त बनती थी हमरी। एक के बाद जीवन में कुछ मांगे थे तुमसे, हमरी बेटी के लिए तुम्हारा बड़का बेटा का हाथ। हाँ, पूरी छोटी थी रावी, तो क्या हुआ, रुक नहीं सकती थी। परी हो जाती तो शादी करवा देती चरणवा के साथ। तो हमरी बेटी के लिए साफ पति चाहिए था और आज भी चाहिए, पर तुम दगा दी, ले आयो संभा को। अब देखो क्या हालत हुई है तुम्हारी। वो बेटा जो साथ था सो गया, और अभी जो बहू और साफ पोता है ना तुम्हारा, वो भी जाएगा। कहा है कि हम टिकने नहीं देंगे उनको इधर, सुशीला की लीला से कौन हो बच नहीं सकता। हमारी बेटी साह की पत्नी बनेगी। तुम उसका पति बदल दी? हम पवनिया परिवार का साह बदल देंगे। ऐसा चक्कर चलाएंगे, तुमको जो कभी गलती से होश आ गया ना, तो जीवन भर याद रखोगी कि सुशीला कुछ किए थी। देखती जाओ दीना, पंचायत तो पहला दाव है। फैसला लेने का वक्त आ गया है शाहजी, चले। बाबा जी बस आप कितनी परीक्षा लोगे, मेरी नहीं तो उस बच्चे की ही बात सुन लो, सच की जीत करवा दो बाबा जी। सब लोग शांत हो जाएं। हम पंचों की राय है कि जगन पवनिया ने जो इल्जाम अंबा पवनिया पे लगाए हैं वो हरजीत बाजवा और उनकी पत्नी अमृत बाजवा के गवाही के बाद साबित हो चुके हैं, और जब अंबा पवनिया पर ये इल्जाम साबित हो चुका है तो कानूनी तौर पर वो पवनियों के किसी भी कार्रवाई के ऊपर दस्तखत नहीं करेगी। और हम ये फैसला करते हैं कि अंबा पवनिया पर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दीना पवनिया को जान से मारने की कोशिश की। इसलिए हम ये फैसला लेते हैं कि अंबा पवनिया को पुलिस के हवाले किया जाएगा। ओ जी, बहुत बड़ा फैसला लिया है आपने, आपका हुक्म सर मथे पर जी। सही कहा आपने सरपंच जी, सही कहा। मेरी मम्मी गुनहगार है, उन्होंने मेरी बीजी को धक्का दिया। और राज की मम्मी ने मेरी मम्मी के बारे में जो भी कहा वो सब सच था।
अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी मम्मी एक झूठी मम्मी है। मनु, तू क्या बोल रहा है? ऐसी औरत को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सच तो वही होता है ना सरपंच जी, जो सबके सामने आता है, जो दिखाई देता है। और मेरी मम्मी गुनहगार है। जैसे मेरी मम्मी का सच सामने आया है अमृत आंटी के बोलने के बाद, तो मेरी मम्मी को अगर पुलिस के हवाले भी कर दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर दो मेरी मम्मी को पुलिस के हवाले। लेकिन सरपंच जी, जब पुलिस आएगी तो वो दो लोगों को गिरफ्तार करेगी। एक मेरी मम्मी और दूसरे आप सरपंच जी। मेरा जुर्म भी बता दो बेटा, अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो। चोरी, चोरी की है आपने। सरपंच पर इल्जाम लगा रहे हो, क्या ये साबित कर सकते हो? वही तो सीखा सरपंच जी, सच तो वही होता है जो साबित होता है। आपने मेरी कुलेल चोरी की है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपके कुर्ते की जेब में है। लो जी, ऐ देख लो, ओ अब हमारे सरपंच जी ने गुलेल की चोरी की है। वाह भाई वाह, क्या बात हुई है ये हा? आप अपनी जेब में हाथ डालिए तो जरा। चाली यार, मानी तेरी बात, मानी कि सरपंच जी ने गुलेल चुराई है, लेकिन बच्चे सरपंच जी का गुलेल चुराना और तेरी मां की करतूतों का फर्क बहुत है, बहुत अंतर है इन बातों में, समझा? गलती तो गलती होती है चाचा जी, और मैंने साबित कर दिया सबके सामने सरपंच जी ने मेरी गुलेल चोरी की। मनप्रीत पवनिया, ये तुम भी जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तुम्हारी हरकत है। हाँ, ये सब तो मैंने ही किया है, आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन साबित तो यही हुआ ना कि आपने मेरी गुलेल चोरी की, क्योंकि गुलेल आपकी जेब में मिली, जैसे कि मेरी मम्मी गुलेल का साबित हुई। चाहे सच कुछ भी हुआ हो, राशि मम्मी ने जो भी कहा उनके बाद मानी गई ना, ठीक वैसे ही अभी सच सिर्फ मेरी बीजी जानती है, जो इनको भी होश नहीं है। तो फिर मेरी मम्मी गुनहगार है, तो आप भी गुनहगार हुए ना मेरे गुलेल के, सजा के हकदार। ओए गुलेल की चोरी, ये तेरा सबूत है? ओए, इसे शाह किसने बनाया है?
गलती हो गई बहुत बड़ी जी, माफी सबसे। रुकिए, मनप्रीत पवनिया ने जो दलील पेश की है उसमें सच्चाई नजर आती है और इससे यह साबित होता है कि इस कहानी का दूसरा पहलू भी हो सकता है। इसलिए पंचायत ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि जब तक दीना पवनिया ये आकर नहीं बोलती कि हरजीत और अंबा के बीच कोई संबंध था या अंबा ने ही उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है, तब तक ये पंचायत कोई फैसला नहीं करेगी। और इसलिए अंबा के दस्तखत निरस्त नहीं किए जा सकते हैं, पवनियों के कारोबार के लिए उनके दस्तखत ही माने होंगे। मनप्रीत पवनिया, तेरे में वाकई अपने पिता चरण पवनिया की परछाई है। आज की यह पंचायत यही स्थगित की जाती है। मम्मी ये सही है, क्या आज हम चाचा की बातों को गलत साबित नहीं कर पाए, लेकिन ये पूरी हार भी नहीं है और पूरी जीत भी नहीं। हम आधा रास्ता पूरा कर चुके हैं तो आधा और पूरा करेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। क्या ये क्या किया मम्मी आपने? मम्मी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मम्मी जवाब दीजिए मुझे। अपने पंचायत के सामने जाके झूठ बोल दिया, बोलो ना मम्मी क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? ऐसे कैसे कर सकती है वो? वो झूठ कैसे बोल सकती है? मैं भी क्या बोल रही हूं, ये बाजवा है ना, ये होती ही कमीने, तू पर भरोसा कर ही नहीं सकते। पहले दोस्ती करते हैं फिर बाद में छुरा भोंकते पीठ पे। मैंने उसकी पीठ पे छुरा नहीं घोंपा, मैं मजबूर थी। मैं कठपुतलियां हमेशा मजबूर ही होती है रमन, और तेरी माँ हरजीत बाजवा की एक कठपुतली है, वो जो चाहे इनसे बुलवा सकता है। मैं आज तक इन्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी थी मम्मी आपको? सबके सामने, पूरी पंचायत के सामने आपने झूठी गवाही दी थी उनके खिलाफ, एक औरत को बदनाम किया आपने। मम्मी बताओ ना मम्मी, आप ऐसी क्या मजबूरी थी आपको? मेरे राज की जिंदगी का सवाल था, मार देते वो उसे, मार देते मेरे राज को। बस बहुत हो गया, अब मैं जाके पापा से बात करता हूँ। नहीं रमन, हर बार नहीं, जो भी हो जाए वो है तो तेरा बाप ही ना, तू हर बार उसके खिलाफ नहीं जा सकता, पर मैं जा सकती हूं। हाँ मैं बात करूंगी उससे। बेबी कैसी है? मैं जाकर मिलकर आती हूं। मेरी बेबी के आसपास भी ना भटकना, औकात नहीं रही तेरी। आप तेरी क्या औकात है? तूने आज पंचायत में अपनी क्या औकात दिखाई जगह? मगरमच्छ के आंसू बहाए वहां पर सबके सामने,
सबको अपनी तरफ करने के लिए। अच्छा हुआ आज बेबे इस हाल में है, वरना तुझे इस हाल में देखती ना तो मर जाती। उन्हें शर्म आती कि ये है उनकी औलाद। और तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू होता कौन है? छोड़ मेरा रास्ता। परी पंचायत के सामने जो तेरी बेइज्जती हुई थी, उसके बाद तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। लगता है तूने भी नहीं सुना कि सरपंच जी ने क्या कहा। बेइज्जती मेरी नहीं, बेइज्जती तेरी हुई है। तू करा के आया वहां से बेइज्जती। आज दस्तखत तो मेरे ही लगेंगे हर कागज पे जगह। तू हर छोटी सी छोटी चीज के लिए घिसते हुए दस्तखत मांगने आएगा मेरे पास ही।